हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बेंच वाइज जो है असेंबली, उसका बेस जो असेंबली है बेंच वाइज, इसका जो बेस है वो कैसे 3.0 सॉफ्टवेयर में कंप्लीट करना है, ड्रॉ करना है। इसके लिए यहाँ पे फ्रंट व्यू दिया है, उसके साइड में राइट हैंड साइड व्यू दिया है, उसके ऊपर जो दिया है वो टॉप व्यू है। ये जो है पूरा के पूरा थर्ड एंगल मतलब प्रोजेक्शन से बनाया गया है, इसलिए फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू आया है। नॉर्मली ये फ्रंट व्यू के नीचे आ जाता है और फ्रंट व्यू के राइट साइड पे जो है वो राइट हैंड साइड व्यू है, ना ही कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू। सो दिस इज द फ्रंट व्यू, यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू, यहाँ पे टॉप व्यू। अभी स्टेप बाई स्टेप क्या करना है आपको, इसमें से वन स्केच ड्रा करना है, जिसको कौन से प्लेन में ड्रा करना है और कौन से प्लेन में एक्सट्रूड करना है, थर्ड डायमेंशन लेना है, आपको बताएंगे। सो इसलिए यहाँ पे फ्रंट व्यू है, यहाँ पे देखो यहाँ से ये जो बेस है इस तरह से यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये पहले हमको ड्रॉ करना है फ्रंट प्लेन में, और उसके बाद में इसको यहाँ से यहाँ तक मतलब 64 mm कितने से उसको एक्सट्रूड करना है। सो सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर में आने के बाद न्यू फाइल स्टार्ट की है, बेस नाम दिया है उसने और यहाँ पर आगे सो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करना है और स्केच करना है। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करने के बाद और स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद हमको ये जो है ये स्केचर वर्क बेंच में डाइवर्ट किया जाता है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है सेंटर लाइन ड्रॉ करना है, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन और दूसरा जो है वर्टिकल सेंटर लाइन, और फिर ये यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है देखते हैं, ये टॉप से लेके यहाँ तक का हाइट है 36 और यहाँ से यहाँ तक का हाइट है 16, सो टोटल होगा 52। सो पहले तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है और उसको 52 डायमेंशन देना है। सो लाइन यहाँ पर जाके लाइन सेलेक्ट करना है, सेंटर से स्टार्ट करना है, क्लिक करना है पहला पॉइंट और उसके बाद ऊपर आना है और सेकेंड पॉइंट। अभी लाइन कमांड से बाहर आना है, इसलिए हमको क्या करना है, MMB दैट इज माउस मिडल बटन प्रेस करना है। एक बार प्रेस करने के बाद टेम्परेरी लाइन कमांड से बाहर आता है, लेकिन आपको परमानेंटली लाइन कमांड से बाहर आना है तो और एक बार MMB दैट इज मिडल माउस बटन को प्रेस करना है। अभी तो कम्प्लीटली आप लाइन कमांड से बाहर आना है। अभी यहाँ पे जो डायमेंशन है तो बाय डिफॉल्ट डायमेंशन है, उसको डबल क्लिक करना है उसके ऊपर, और जितना डायमेंशन हमने सोचा है कैलकुलेट किया है एक्चुअली उतना देना है। सो 52 जो डायमेंशन है हमने कैलकुलेट करके निकला है, इतना डायमेंशन यहाँ पे देना है और एंटर प्रेस करना है। फिर एक आ गया पहला लाइन, इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का लाइन हमने ड्रॉ किया, अभी पूरा के पूरा हमको ड्रॉ करना है, कहाँ से लाइन कमांड लेना है और यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से नीचे, फिर इधर यहाँ तक, फिर नीचे और फिर यहाँ तक, ऐसा टोटल ड्रॉ करना है पूरा के पूरा। सो लाइन फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से थोड़ा इधर डिस्टेंस है, यहाँ पे क्लिक करो, फिर नीचे आना है यहाँ तक, अप्रोक्सीमेटली आपको डिसाइड करना है कहाँ तक डायमेंशन डालना है। तो यहाँ पे यहाँ तक, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टली इधर आना है यहाँ तक, यहाँ से नीचे यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ से दो पॉइंट एम तक, अभी यहाँ से हमको लाइन कमांड से बाहर आना तो दो बार हमें भी प्रेस करना है माउस मिडल बटन, दो बार प्रेस करना, तो ये डिफॉल्ट डायमेंशन आ रहा है, इधर इधर आ रहा है, इधर डायमेंशन आ रहा है, कौन से डायमेंशन हमको देना है और कितने देना है यहाँ पे PDF में जाके देखना है। तो ये तो है टोटल डायमेंशन 10 + 16, 26 डायमेंशन है, 26 डायमेंशन, फिर यहाँ वाला ये वाला है जो वो 16 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन टोटल डायमेंशन 144 है। सो ये वाला 26, 16 और 144, सो यहाँ पे ये 26 है, इंटर करना डबल क्लिक करने के बाद, फिर यहाँ पे डायमेंशन नहीं है नहीं कर सकते, इसीलिए नया डायमेंशन लेना, तो यहाँ पे जाना हमको डायमेंशन में, तो डिस्प्ले डायमेंशन, वो एज को सिलेक्ट करना है
और बाद में थोड़ा बाजू में कर्सर को लेकर आने के बाद यहाँ पे एम एम भी प्रेस करना है माउस मिडल बटन, और फिर एक डायमेंशन आ जाएगा बाय डिफॉल्ट जो है वो आ जाएगा, लेकिन हमको कितना देना है 16। सो 16 टाइप करो और इंटर प्रेस। इंटर प्रेस करने के बाद दूसरा हमको क्या करना है, ये वाला नीचे वाला डायमेंशन इसको डबल क्लिक करना है, ये चाहिए हमको कितना 144 144, इंटर प्रेस करना। ये वाला चेंज नहीं हुआ है इसलिए इसके ऊपर डबल क्लिक करो और 60 दे दो, पूरा की पूरा हो गया। फिर मैं डायमेंशन कमांड में हूँ, अभी भी डायमेंशन कमांड में हूँ इसलिए डायमेंशन कमांड से बाहर आना है, इसीलिए हमको क्या करना है एम एम बी प्रेस करना माउस मिडल बटन। सो एम एम बी प्रेस करने के बाद पूरा की पूरा डायमेंशन ऑल कमांड सभी कमांड से बाहर आ गए। तो अभी जितना चाहिए 144 है, ये 16 है, ये 52 है, ये 26 है, पूरा जो स्केच है टू डायमेंशनल में हमने बनाया, ट्वेंटी में जो जो चाहिए वो बने। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जाना है सेव एंड द एग्जिट स्केच आउट, ऑप्शन है सेव द स्केच एंड एग्जिट। सो यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आ गए थ्री डायमेंशनल वर्क बेंच में। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्सक्लूड करना है इसी ऑब्जेक्ट को, कितना एक्सक्लूड करना है देखो, यहाँ पे ये ऐसा दिखने के लिए ऐसा को ऐसा दिखने वाला, ये ऐसा दिखने है, ओके ऐसा इसको दिखना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना है, इतना थिकनेस विथ जो है ये वाला 64 इतना विथ हमको उसको थर्ड डायमेंशन में अप्लाई करना है। तो इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड है उसके ऊपर क्लिक करो तो ये स्केच को एक्सट्रूड करेगा। अभी क्या होता है बाय डिफॉल्ट स्केच से एक तो इधर आ जाएगा नहीं तो यहाँ से राइट साइड जाएगा, लेकिन हमें अब क्या करना है इसको सीमेंट एक्सक्लूड करना है। स्केच मिडल में रहेगा, इधर जितना है 100 mm रहेगा तो इधर यहाँ से इधर ही 100 mm रहना चाहिए। इसीलिए क्या करना है, यहाँ पे ये जो टूल है इसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करो, और ये जो है सिमेट्रिक सेकंड वाला ऑप्शन दो नंबर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करो, और डायमेंशन कितना है 64 है तो 64 यहाँ पे टाइप करो और एंटर करो। सो ये देखो सेंटर में स्केच रहेगा, यहाँ पे यहाँ से इधर 32 आएगा और यहाँ से इधर 32 आएगा। सो राइट क्लिक करो, दैट इज हमारी कमांड टू भी हो गई। सो यहाँ पे ओके करो, ये हो गया बेस पूरा के पूरा बेस। इसके ऊपर और भी कुछ काम है और भी बाकी है वो कंप्लीट करना है। इससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है चैम्फर है ओके, ये देखो चैम्फर ये 16 यहाँ से इधर है सेंटर से और टॉप से नीचे 16 है। तो हमें क्या करना है इस एज को चैम्फर देना है ओके, इसीलिए क्या करना है ये चैम्फर कमांड है, यहाँ पे सिलेक्ट पे चैम्फर कमांड और डी बाय डी दोनों डायमेंशन, डायमेंशन मतलब क्या है इस एज से इधर 16 और इस एज से इधर 16 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बाय डिस्टेंस, अभी दोनों डिस्टेंस सेम है 16 16, तो इसलिए डी बाई डी रहेगा। तो यहाँ पे 16 टाइप करना, एंटर प्रेस करना, और फिर यहाँ पे जो एज है जिस एज को चैम्फर देना उस एज को सिलेक्ट करना। तो ये देखो चैम्फर आ गया यहाँ पे और ये कंप्लीट हो गया। सो राइट क्लिक के ऊपर क्लिक करो, दैट इज ओके ओके। सो ये होगा ऑब्जेक्ट, अभी ये सही ड्रॉ किया है या गलत ड्रॉ किया है, मतलब कंप्यू आता है कंप्यू बोलने के बाद, मतलब कंप्यू ओरिएंटेशन अगर हम क्लिक सिलेक्ट करते हैं तो ये कंप्यू में आता है सही है, ऐसा ही है कंप्यू यहाँ पे देखो ऐसा ही दिखता है ना ये कंप्यू। सो जो हमने क्या किया है वो बिल्कुल सही है। तो अभी हमको क्या करना है इसी सरफेस के ऊपर, ये सरफेस जो है यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में देखो ये वाला पोर्शन हमको मतलब ड्रॉ करना है, ऐसा स्केच ड्रॉ करना है और उसको ये 22 mm से उसको एक्सक्लूड करना है। तो इसलिए हमको क्या करना है, ये जो बाजू वाला सरफेस है ये वाला राइट का मतलब ये वाला सरफेस ये इसको सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर स्केच बोलना है, स्केच के ऊपर क्लिक करो। तो हम क्या करने वाले अभी यहाँ पे स्केच करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है सबसे पहला काम क्या है सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल के एज को सेंटर लाइन कंसीडर होता है और दूसरा एक सेंटर लाइन हमको ड्रा करना है यहाँ पे यहाँ से यहाँ और एक वाला सेंटर लाइन यहाँ पे रहेगा
और इसका डायमेंशन कितना होगा, 32, टोटल कितना है 64 है, इसलिए इसका सेंटर कहाँ पड़ेगा, 32 के ऊपर। और फिर ये जो एज है, ये जो एज है इसको हमको क्या करना है, कंसिडर करना है हमारे स्केच में, इन्वॉल्व करके लेना है, शामिल करना है, तो इसीलिए क्या करना है, इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नंबर सिलेक्ट इस कमांड है, यहाँ पे पेज के ऊपर सिलेक्ट करो, ये आ गए हमारे स्केच के लिए। ठीक, फिर यहाँ पे स्केच व्यू में जाओ ताकि वो आपको स्क्रीन पर कार्य हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद हमको क्या करना है, देखो ये वाला एक सर्कल ड्रा करना है, फिर ये वाला एक सर्कल ड्रा करना है, कहाँ से फेस से 36 mm डिस्टेंस के ऊपर, और ये फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए। तो इसीलिए हमको क्या करना है, जो सर्कल ड्रा करना है, वन एग्जैक्ट ऑन दिस सेंटर लाइन और दूसरा जो है वो भी। जो सर्कल ड्रा करने के बाद दोनों का डायमेंशन कितना है, देखो एक का डायमीटर है जो बाहर अंदर वाला है उसका 16 डायमीटर है, और बाहर वाला जो है उसका रेडियस 16 है। सो ये जो है अंदर का जो है उसका डायमीटर 16 है, और जो बाहर का है उसका जो डायमीटर है वो जो है 16 मतलब 42 आएगा। ठीक, सारे फिर यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस बेस से कितना है, तो यहाँ पे जाकर डायमेंशन में जाएंगे, डायमेंशन पे क्लिक करना, फिर ये सेंटर लाइन यहाँ से ये वाला सेंटर इसका डायमेंशन 36 है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इधर आके एम बी यहाँ पे कर सकते लेते हैं, यहाँ पे आके एम बी प्रेस करो, सो यहाँ पे 36 एंटर करना है, तो हम लोग हमारा सर्कल जहाँ पे चाहिए वहाँ पर। सो इसके बाद क्या करना है, देखो इधर से एक इंक्लाइन लाइन है, इधर से एक इंक्लाइन लाइन है, और दोनों लाइन के बीच में 50 डिग्री का इंक्लिनेशन है, और दोनों की जो सेंटर लाइन है उसको सिमेट्रिक है, मतलब सेंटर लाइन से इधर जितने डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पे डिस्टेंस के ऊपर यहाँ से इधर कई पॉइंट है, ये जो दो इंक्लाइन लाइन है उनका, और ये जो दो इंक्लाइन लाइन है वो बाहर वाला जो सर्कल है उसको टेंशन है। सो क्या करना है, देखो लाइन का मान ले लो यहाँ से स्टार्ट करना है, क्या इस लाइन्स के ऊपर से नहीं स्टार्ट करना है, ओके यहाँ से स्टार्ट करो, अदरवाइज किया तो भी चलेगा, यहाँ से स्टार्ट करो और ऐसा ये देखो टैंजेंट, और फिर इधर से स्टार्ट करो और ये देखो टैंजेंट, ओके। और फिर डायमेंशन कमान में जाना मेरे को, ये लाइन और ये लाइन दोनों में डायमेंशन में दोनों सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर सकते लेके आओ, और यहाँ पर एम एल बी दोस्त एंगल आ जाएगा 50 एंटर करना है। अभी देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है कम है, लेकिन यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ज़्यादा है, तो उसको सेम डिस्टेंस पे लेकर आने का, इसीलिए क्या करना है हमको यहाँ पे सिमेट्री कमांड जो है ये देखो सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट वोल्टेज को अप्लाई करना है। तो सिलेक्ट दिस सिमेट्री कंस्ट्रेंट, सेंटर लाइन पहले सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें अबाउट दिस लाइन, इसी लाइन से इधर जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से इधर चाहिए, तो सेंटर लाइन पहले सिलेक्ट करना है, और ये जो एंड पॉइंट है उसको हाईलाइट करने के बाद सिलेक्ट करना है, तो ये हो गया सिमेट्री। ठीक है, अभी यहाँ पे जो नहीं चाहिए उसको डिलीट करना, मतलब क्या है, मतलब डिलीट सेगमेंट का मतलब यहाँ पे है इसको सिलेक्ट करो, या ये जो पाथ है लाइन का ये नहीं चाहिए तो इसको सिलेक्ट करो, डिलीट हो गया। सिमिलरली इधर नहीं चाहिए इसको सिलेक्ट करो, डिलीट हो गया। फिर ये जो अंदर वाला सर्कल है ये भी नहीं चाहिए यहाँ से, और ये वाला, सो इतना हो गया। फिर एम एन बी प्रेस करना है, मतलब आपकी कमेंट काम कमेंट का काम कम्प्लीट हो गया, तो एम एन बी प्रेस करो। तो एम एन बी प्रेस करने के बाद देखो तो पिंक शेड आ गया, मतलब नेक्स्ट स्केच क्लोज है, ये कम्प्लीट हो गया। इस तरह से आपको ये स्केच कम्प्लीट करना है, और इसके बाद उसके जाके सेव द स्केच एंड एग्जिट करना है, उसको क्लिक करना है, और फिर वो आप जोड़ा करके देखो तो आपको पता चलेगा कि स्केच यहाँ पे कम्प्लीट हो गया। तो अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे यहाँ से इधर एक्सट्रूड करना है उस स्केच को, सो सिलेक्ट कर एक्सट्रूड करना, तो बाय डिफॉल्ट इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है, ये इसको क्या करना है यहाँ पे क्लिक करके इसका डायरेक्शन चेंज करना, इधर आ रहा था तो उसको इधर ले। सो यहाँ से कितना डिस्टेंस तक जाना है हमको, 22 डिस्टेंस है, यहाँ पे 22 एंटर करो, डालो एंटर करो,
फिर यहाँ पे देखो ये कितना है 22 मंथ। सो इसीलिए हमने 22 बन रहा है और ये हो गया। सो ये कंप्लीट हो गया कि यहाँ पे जो है इसको छोटे हो गया राइट कंप्लीट करना तो ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो। अभी आपके माइंड में ऐसा लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा कर्व है ये हमने स्केच में क्यों नहीं निकाला। सो स्केच में अगर इसको निकालते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमें स्केच में इसको ड्रॉ करने के बजाय हमको उसको 3 डायमेंशनल यहाँ पे मतलब 8 डायमेंशन में इसको काम कर देंगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है तो वो कैसे ड्रॉ करना देखो यहाँ पे राउंड है सिलेक्ट करो उस कमन को और यहाँ पे कितना डिस्टेंस चाहिए 3 mm राउंड का रेडियस कितना है 3। सो एंटर करो 3 डाल के यहाँ पे 3 इंटर करो और 3 डालो और इंटर करो देखो 8 3 इधर और इधर सेम रहेगा दोनों जगह। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया डाला एंटर किया। अभी कौन से एज को चाहिए तो ये वाला एज फॉलो करना आप सिलेक्ट करो तो थोड़ा इंक्लाइन करो और कंट्रोल प्रेस करके आपको कंट्रोल प्रेस करके आपको फिर ए वाला एज सिलेक्ट करना ये देखो पहले अपने पर सिलेक्ट करना। ठीक है वो दोनों हो गए सिलेक्ट हो गए तो फिर हमारा कंप्लीट हो गया। सो यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लिक करो दैट इज ओके। तो अभी आ गया देखो राउंड आएगा। सो यहाँ पे अगर आप चैम्फर या राउंड करते हैं तो ईजी हो जाता है। इसलिए स्केच में चैम्फर या फिलेट नहीं देना होता बाहर आके 5 मॉडलिंग में उसको चैम्फर और फिलेट देना। जब इतना काम कंप्लीट हो गया और काम बाकी है मैडम यहाँ पे तो देखते हैं क्या बाकी है। ये देखो ये जो है ये वाला क्वेश्चन मतलब ये इतना स्केच हमको ड्रॉ करना है यहाँ से लाइन करना से स्टार्ट करना है फिर ऊपर थोड़ा 7 mm फिर इधर से अंदर आने में फिर ऊपर जाने में फिर इधर आने में फिर नीचे फिर इधर फिर इधर और फिर इधर ऐसा कंप्लीट करना है। जो स्टेप का पोर्शन है वो ड्रॉ करने में पूरा के पूरा कौन से प्लेन पे फिर से वही प्लेन है जो बाकी वाला प्लेन है उसी प्लेन पे। सो हम फिर क्या करेंगे यहाँ पे देखो यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है राइट हैंड साइड में सो इसलिए यहाँ ये जो सरफेस है इसको सिलेक्ट करो और फिर स्केच के ऊपर क्लिक करो हम स्केचर वर्क बेंच में आ गए। फिर हमको क्या करना है जैसे कि मैंने बताया स्केच में एंटर करने के बाद पहला काम है सेंटर लाइन ड्रॉ करने का। ओके और यहाँ पे सेंटर लाइन और ये सेंटर लाइन का डिस्टेंस कितना चाहिए हमको 32। ओके ये कंप्लीट हो गया। हमें क्या करना है देखो ये वाला स्टेप का क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर करते हैं। सो इसीलिए हमको क्या करना है यहाँ पे जाओ लाइन कमांड लेना है और यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ से थोड़ा ऊपर अभी कितना है ऊपर कितना जाना है वो बाद में देखेंगे पहले थोड़ा ऊपर जाना है अप्रोक्सीमेटली उसी शेप में आपको ड्रॉ करना है। ओके फिर ऊपर फिर इधर ठीक है फिर नीचे फिर थोड़ा ऊपर हॉरिजॉन्टल फिर नीचे और फिर यहाँ से फिर ओरिजिन पॉइंट ये कंप्लीट होगा। एम भी प्रेस करना है 2 बार। ओके अभी फिर ये देखो ये डिस्टेंस कितना है ये बीच वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 16 है और यहाँ से यहाँ तक 32 है। सो ये वाला डिस्टेंस यहाँ 16। ओके उसके बाद ये जो है ये पॉइंट एंड ये पॉइंट ये दोनों सिमिलर कितना है मतलब ये सेंटर लाइन से कितना इधर होगा कितना ही इधर होना चाहिए। इसलिए क्या करें हमको सिमेट्री कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट करना है क्लिक करके सिलेक्ट करो फिर सेंटर लाइन को सिलेक्ट करो और फिर जो लोग एक पॉइंट्स में हाईलाइट करने के बाद सिलेक्ट करो फिर सिमेट्री आ जाए फिर एन डी प्रेस करके सिमेट्री कमांड से बाहर आ जाए और फिर ये कितना चाहिए थर्टी टू चाहिए मैं सिलेक्ट करूँ। ठीक फिर ये कितना चाहिए 7 mm चाहिए 7 mm और फिर यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दिया। ठीक है यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस 16 दिया तो हमें क्या करना है डायमेंशन कमांड में जाना है। ठीक है यहाँ पे डायमेंशन कमांड में जाना है और एक टॉप वन ले और एक बटन ले जो उनको सिलेक्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे हमें भी प्रेस करो तो यहाँ पे आपको एडिट करना है 6 एंटर तो ये कम्प्लीट हो गया। ठीक है इसी तरह से कम्प्लीट हो गया और फिर यहाँ पे क्लिक करना सेव द स्केच एंड एग्जिट। ठीक है
और फिर इसको एक्सट्रूड करना, फिर से वही करना, एक्सट्रूड करना, लेकिन वो कट रहना चाहिए, मतलब उसका अलबत्ता प्रीमियम होना चाहिए, निकाल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखो एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करें, बाय डिफॉल्ट इधर आ जाएगा, लेकिन इसको हमको डायरेक्शन चेंज करना है, रिवर्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्लिक करें, देखो बाय डिफॉल्ट ये मटेरियल प्रीमियम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना है, कहाँ तक चाहिए आपकी नेक्स्ट सर्फेस, यहाँ तक चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्लिक करना है, सिलेक्ट करो यहाँ से ये वाला और सर ये वाले को मैं एक्सक्लूड अप टू द नेक्स्ट सर्फेस, सिलेक्ट इस करना, ये देखते हैं यहाँ से स्टार्ट हो गया और यहाँ पर आपके रुक गए। सो ओके करना है यहाँ पर कितना आपको, और ये वाला ऑब्जेक्ट कम्प्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद और बाकी है काम हमारा कि ये जो देखते हैं क्या करने वाले, तो देखो होल दिख रहे हैं, ओके ये पोर्शन हो गया, ये वाला स्केच हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर अभी ये वाला दिख रहा है, उसको होल से ओके फाइव सिक्स मतलब सिक्स सेवन डाउन कर टिपिकल डायमीटर दिख रहा है, इसका मतलब है ये वाला होल उसका भी डायमीटर सेम रहेगा, ये जो होल है उसका भी डायमीटर सेम रहेगा, ये जो होल है उसका भी डायमीटर सेम रहेगा, ओके। तो पहले हम ये वाला स्केच होल ड्रॉ करेंगे, ओके। बॉटम का व्यू जो है उसके ऊपर यहाँ पे टॉप में यहाँ पे जो होल है उसका डिस्टेंस दिया है, इधर से अंदर 38 mm है और ये जो एज है यहाँ से अंदर 10 mm है, ऊपर 10 mm यहाँ से 38 mm है, ओके। और कितना है बॉटम से लेकर ऊपर 10 mm का, और जो बॉटम है वो कैसा है कोनिकल शेप में है, तो इसलिए क्या करना है यहाँ पे देखो हमें अभी टॉप ओरिएंटेशन में जाना है, टॉप ओरिएंटेशन में जाने के बाद यहाँ पे ड्रॉप है, लेकिन कहाँ से ऊपर के सरफेस से नहीं नीचे के सरफेस से, सो इसलिए इसको इधर ऐसा रोटेट करेंगे हम, रोटेट करने के बाद यहाँ पे वो सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, पहले तो यहाँ पे जाके टॉप ओरिएंटेशन को देखना है, उसके बाद इसको घुमाना है आपको ऐसा इस तरफ घुमाने के बाद यहाँ पे इतना घुमाने के बाद यहाँ पे आपको होल ड्रॉ करना है, ओके। सो इसीलिए क्या करना है यहाँ पे होल घुमाएंगे, इसको सिलेक्ट करो, उसके बाद कहाँ पे ड्रॉ करना है इस सरफेस के ऊपर ड्रॉ करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करो, जिस सरफेस के ऊपर ड्रॉ करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करो और फिर उस तरफ पोजिशन फिक्स करना है हमको, तो जो सेंटर पॉइंट है तो दिया है डायमेंशन इस सरफेस से और इस एज से इधर 38 होना चाहिए और ये जो बाहर वाली एज है यहाँ से अंदर 10 mm होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे प्लेसमेंट में जाना है आपको, ये जो है ऑफसेट रेफरेंसेस क्लिक हियर के बाद यहाँ पे क्लिक करो, ओके। सो सरफेस सिलेक्ट करो, पहले तो ये सरफेस सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाला और उसके बाद दूसरा सरफेस ये सिलेक्ट करना है, लेकिन उसके पहले क्या करना आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है और फिर इस पेज और सरफेस को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो कुछ बार ओपन डिस्टेंस है वहाँ पर हमको कितना चाहिए था 38 नंबर्स देने के बाद एंटर करना है, और फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लिक करो, ये कितना चाहिए 10 mm चाहिए, सो देखो यहाँ से 38 आ गया और यहाँ से 10 mm आ गया डिस्टेंस, ठीक है। वो जो डिस्टेंस है यहाँ से ऊपर 10 mm है और यहाँ से ऊपर 38 है, ये काम हो गया इसका, तो इसको यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब ये ड्रॉप जो बॉक्स था वो बंद हो गया, फिर बांध को कितना बोला है 6 mm बांध, सो यहाँ पे यहाँ पे आपको 6 mm एंटर करना है और एंटर, और फिर उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो बॉटम है ये देखो हमें थोड़ा झूम कर दिया, इसमें डेप्थ कितना चाहिए हमें 10 mm डेप्थ चाहिए, तो देखो यहाँ से स्टार्ट होता है तो कितना अंदर तक है 10 mm तक, तो 10 mm तक हम अंदर आ गए हैं, तो उसके बाद यहाँ पे देखो थोड़ा हम झूम झूम करके दिखाते हैं, ओके। यहाँ पे देखो आपको सरफेस जो है बॉटम सरफेस आपको फ्लैट दिखेगा, लेकिन वो कैसा चाहिए निकल जाए, तो इसीलिए आपको क्या करना है इसी के ये जो कमांड है इसके अंदर ये जो सब कमांड है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो देखो वो निकल गया और उसका
स्टैंडर्ड जो शेप है, यहाँ पे शेप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पता चल यहाँ पे जो बटन है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कट हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कोनिकल हो जाता है। और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यहाँ पर 120 दो जगह 120 नंबर होल कम्प्लीट हो गया। यहाँ पे क्लिक करो, इसी तरह हमने होल कम्प्लीट कर दिया। और यहाँ पे आके आपको राइट पिक्चर पर क्लिक करना है और हमारा सामान कम्प्लीट हो गया। तो ओके, तो इस तरह ये होल बन गया। अभी यहाँ पे अभी क्या करना है, सेम टाइप की होल एक इधर बनाना है, एक इधर और एक इधर आपको क्रिएट करना है। इसलिए हमको क्या करना है, सेम है उसको पैटर्न करना है। सो इसीलिए होल का मैं होल को सिलेक्ट करूँ, यहाँ से होल को सिलेक्ट करो और फिर यहाँ पे जो पैटर्न कमांड है उसको सिलेक्ट करो, क्लिक करो पैटर्न कमांड के ऊपर। तो पैटर्न कमांड का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट डायमेंशन पूछता है आपको, लेकिन हमें डायमेंशन नहीं चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। ओके, इस डायरेक्शन में चाहिए और दूसरा इस डायरेक्शन में चाहिए। सो डायमेंशन के बदले यहाँ पे हमको डायरेक्शन सेलेक्ट करना है। ओके, डायरेक्शन सेलेक्ट करने के बाद कौन सी ये वाली पहले साइड कौन सी होनी चाहिए हमारी, इस एज को पाने। ओके, जब तक एज हाईलाइट नहीं होती तब तक आपको सिलेक्ट नहीं करना। देखो एज हाईलाइट हो गई, एज हाईलाइट होने के बाद सिलेक्ट करें तो यहाँ पे एक एरो आ जाएगा। ये जो हमारा है ये वाला, ये पहला वाला हमने जो ड्रॉ किया वो पॉइंट है, वो पेज है। अब यहाँ से लेकर एरो का डायरेक्शन भी करना है, इधर जा रहे हैं। ओके, तो हमें इधर नहीं करना है, हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, डायरेक्शन क्लिक करना है। और तो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ से ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, यहाँ से इधर 70 डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है 70 mm देना है, 70 mm। और कितना चाहिए, पहला वाला इसको कंसिडर करके दो चाहिए, ये वाला फर्स्ट वाला और ये वाला सेकेंड वाला, तो इसलिए आपको दो होना चाहिए। ये हो गया एक साइड पे, अभी उसी तरह इस साइड पे भी चाहिए इस डायरेक्शन में। ओके, इसी डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पे क्लिक करना है सेकेंड डायरेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करो और ये जो एज है इसको सिलेक्ट करना है, एज को सिलेक्ट करना है। एज को सिलेक्ट करने के बाद ये भी करना है ऊपर जाना, क्योंकि हमें ऊपर नहीं चाहिए नीचे चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करना डायरेक्शन चेंज करके, और फिर यहाँ पे देखो दो होल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 44 है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ पे 44 डालना है, 44 नहीं करना। और कितने चाहिए, दो ही चाहिए, ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड। तो एक मिनट कम्प्लीट हो गया, अभी यहाँ पे क्लिक करना है। सो इस तरह चार होल कम्प्लीट हो गए। अभी हमको देखना है इसका कंप्यू कैसे दिखना है, कंप्यू ओरिएंटेशन में ऐसा ही है, इसका राइट हैंड साइड कैसे दिखता है ये ऐसा ही है, और इसका टॉप व्यू कैसे दिखता है वैसा है। इसी तरह हम क्या है, और ये डिफॉल्ट ओरिएंटेशन, इसी तरह हमारा ये बेस जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी वायर फ्रेम में हिडन करके जो ऑप्शन है वो आपको अगर देखना है हिडन लाइन्स का, तो इस तरह आप देख सकते हैं। इसमें टॉपिक में आपको दिखेगा इस टाइप का, राइट हैंड साइड में ऐसा दिखेगा जो होल से और कंप्यू में दिखेगा ऐसा। ओके, सो इस तरह हमने दोस्तों एक जो पार्ट है उसको कंप्लीट किया है। ओके, ऐसा पार्ट है बेंच वाइज जो है उसका बेस का पार्ट पूरा जो पूरा कंप्लीट किया है, हमने ड्रॉ किया है। इसी तरह आपको पूरा राइट बेस से ड्रॉ करना है। सो